पीलीभीत में 8 लाख रुपए लेन देन को लेकर चल रहे विवाद में एक प्रॉपर्टी डीलर पर बसपा के पूर्व नगराध्यक्ष पर तेजाब जलाकर झुलसाने का आरोप लगा है। झुलसी अवस्था में युवक बसपा नेता को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सदर कोतवाली पुलिस आरोपी प्रॉपर्टी डीलर सहित 3 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भूरे खान निवासी बसपा के पूर्व नगर अध्यक्ष चांद खां प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उक्त कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छोटा खुदागंज निवासी अब्दुल रफीक भी पहले उसके साथ काम करता था, इसके बाद वह अलग हो गए। प्रॉपर्टी डीलर रफीक पर उसका 8 लाख रुपया बाकी है। काफी समय से प्रॉपर्टी डीलर रफीक पैसा देने के लिए टाल मटोल करता रहा। आज उनसे पैसा देने के लिए शहर की एक कॉलोनी में पैसा देने के लिए बुलाया, जहां रफीक अपने पुत्र और एक अज्ञात व्यक्ति के साथ वहां मौजूद था। आरोप है कि पैसे लेन देन को लेकर विवाद होने पर उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट की। जब चांदखा अपनी जान बचाकर वहां से भागकर एक दुकान में घुसा तो उक्त लोगों ने उस पर तेजाब डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। आनन फानन में बसपा नेता चांदखा को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सदर कोतवाली पुलिस झुलसे बसपा नेता की तहरीर के आधार पर प्रॉपर्टी डीलर अब्दुल रफीक, उसके पुत्र और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अभियोग दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। एसिड बर्न का केस आया है, अराउंड 14-16% बर्न है, सुपरफिशियल टू डीप बर्न। क्या ट्रीटमेंट है, क्या कंडीशन है? ट्रीटमेंट का स्टार्ट कर दिया है, फ्लूइड में फूना लगा दिया है, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया है।